नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामजय नोटियाल ऋषिकेश से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और हम लोग हैं इस टाइम बीजीबी स्कूल के लाइव पेज पर। तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ अपना। मैं एक मोटिवेशन स्पीकर हूँ, एक स्पिरिचुअल हीलर और योगा थेरेपिस्ट। काफ़ी टाइम में बाहर रहा, आप लोग हम लोग ऋषिकेश पे ही हैं। इस टाइम हम लोग हैं ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर। तो हम लोग बात करेंगे योगा सेशन, योगा। तो आई होप आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, योग एक हमारा प्राचीन एनिशेंट एक थेरेपी है। योग जैसे आप बोलते हैं, जोड़ना। जोड़ें किसको? अपने मन को, अपनी सांस को और अपने शरीर को। मन, सांस और शरीर का एक कॉम्बिनेशन, एक मिलन योग कहलाता है। माइंड, ब्रीथ एंड बॉडी। पहले क्या होता है कि माइंड होता है, फिर सांस पे मन को लेके आते हैं और उसके बाद शरीर से काम करते हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम लोग सोचते हैं कि यार एक्सरसाइज जो हम लोग करते हैं, लोग रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं और योग, तो फर्क क्या होता है? देखिए, जब हमारा मन काम में ना लगे, जो हम काम करते हैं बिना मन के काम का, बिना सांस के कॉम्बिनेशन का, बिना सांस के तालमेल का, योग नहीं कहलाता, वो एक्सरसाइज कहलाती है। लेकिन योग में क्या होता है, पहले हम मन को लेके जाते हैं अपनी सांस पर और शरीर से कोई भी पोस्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं योग। तो योग करने के लिए आपका मन, आपकी सांस और शरीर का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो हम लोग जैसे करते हैं, अब हमारी सांस है, जैसे सांस हम लोग लेते हैं नॉर्मली। आपने देखा होगा कि पिछले टाइम पर हमें कोरोना भी सेकेंड वेरिएंट निकला, तो उसमें कितना ऑक्सीजन की कमी हो गई, लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी। तो प्यारे बच्चों, मित्रों, आप लोगों को जो हमारी सांस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। हम लोगों की सांस, हमारे जो लंग्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं करते। तो लंग्स को प्रॉपर काम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, बॉडी एक्टिविटीज करनी पड़ती है। ये नहीं कि हम पूरा दिन बैठ गए, है ना, बातें कर ली, इससे नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि सांस के साथ साथ काम करते हैं। तो कभी आप देखें कि हम लोग पहले सांस को सही करें, लंग्स जो होते हैं हमारे, हमारे लंग्स को काम करने देना है। तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। जैसे आपको, आपने जो हमारी सांस होती है, जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट से, जो पेड़ पौधे हैं उनसे हमारी सांस को हम उनसे लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो अभी आपने देखा कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तो लेकिन अगर आपके लंग्स स्ट्रांग हैं तो आपको कम ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे पहाड़ों पर आप हिल्स एरिया में चले जाएंगे, लेह लद्दाख चले जाएंगे, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन वहाँ के लोग काम करते हैं तो उनके लंग्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं। तो आपने क्या करना है, रोज प्रैक्टिस करें सांस को लेना छोड़ना एक प्रॉपर वे में। तो देखिए, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन लेने से हमारा लंग्स फैलते हैं, जब हमने सांस लिया लंग्स फैलते हैं तो ऑक्सीजन हमारी अंदर जाती है, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। तो आपने करना क्या है कि कोशिश करें कि जो आपका बाहर जाने वाला सांस है वो लंबा होना चाहिए, ठीक है। लंबा होगा तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर चला जाएगा, जो हमारा CO2 है वो शरीर से बाहर निकलेगा। मतलब हमारा जो टॉक्सिक है, हमारा जो कहते हैं उसको, जो हमारे बैड थिंग्स हैं वो बाहर चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जब आप, जैसे कि आप जूस पीते होंगे, जूस पीने के लिए आप एक स्ट्रॉ का यूज़ करते हैं। तो आपने, जैसे हम स्ट्रॉ से धीरे से सांस को खींचते हैं और उसको अंदर से अंदर जाकर वो आपको आपके एब्डोमेन में चला जाता है। तो इसी तरह इस सांस है, आप कोशिश करें कि आपने धीरे से सांस लिया आराम से और उसको सांस को छोड़ दें। जो बाहर जाने वाली सांस, कोशिश करें कि लंबी हो जाए। लंबी होने से आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा, ऑक्सीजन की बहुत ही जो हमारी एक रिक्वायरमेंट है वो हमारे लंग्स के द्वारा पूरी होती रहेगी। तो
लंग्स का काम जरूर करना है, तभी आपका योग होगा। अब हमने जैसे हमारा मन है, हमारा मन क्या होता है, जैसे हमारे आपने टेंस सुने होंगे, तीन टेंस होते हैं, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। तो हमारा जो मन है हमेशा ट्रैवल करता है, कहाँ, पास्ट में, फ्यूचर में। तो हम लोग रहते हैं माइंड में, हम प्लान करते हैं और या फिर हम रिपीट करते हैं जो हमारा पीछे से हो गया। तो मन ट्रैवल करता है, तो कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में, तो रिपीट करते हैं, हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन हमारा शरीर, हमारा बॉडी जो है हमेशा प्रेजेंट में रहता है और सांस हमेशा फ्रेश रहती है। तो जब हमारा एक कॉम्बिनेशन रहता है, जब हमारा मन, हमारी सांस एक साथ रहने लगे, तो योग होने लगता है। इसलिए बोलते हैं योग करें। और योग ऐसा नहीं है कि आप परफेक्ट, परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन एक कोशिश होती है योग की कि हम योग करते हैं, कोशिश करें अपने आप में, ट्राई टू बी, ट्राई टू बी देयर वेयर यू आर, वेयर इज योर बॉडी। अगर आपका मन, आपकी सांस और आपका शरीर मिलेगा तो योग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लोग एक्सरसाइज करते हैं, है ना, आपने देखा होगा लोग जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज योग में फर्क इतना सा है कि जब आप एक्सरसाइज करने लगते हैं, 10 मिनट में आप थक जाते हैं, आपकी सांस फूलने लगती है, लेकिन योग में, जहाँ एक्सरसाइज में आप थकते हैं, वहाँ से आपको, आप चलना शुरू करते हैं, आपको आराम मिलने लगता है, तो आप थकते नहीं हैं। तो योग करने से आपका स्टैमिना बिल्ड होता है, आपके अंदर एक एनर्जी रहती है, एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है ना। स्टैमिना के लिए आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपका स्टैमिना बिल्ड हो जाएगा, लेकिन अगर आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर एनर्जी है, तो आप किसी भी काम को आप निभा सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका मन और सांस हो गया। और शरीर तो हमारा, और कैसा भी शरीर हो, आप छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, लेडीज, जेंट्स, ओल्ड, यंग, सब योग कर सकते हैं, क्योंकि तो योग के लिए हमें एक शरीर चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपको योग जो है, शरीर को परफेक्ट शरीर चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपको योग के लिए। अगर आपके लोगों का ब्लाइंड होते हैं, डीफ एंड डम्ब होते हैं, गूंगे बहरे होते हैं, ठीक है, हैंडीकैप लोग होते हैं, वो भी योग कर सकते हैं, क्योंकि हमें एनी काइंड ऑफ बॉडी चाहिए, किसी भी तरह का शरीर, ठीक है। सांस आपका होता है, मन होता है और शरीर, तो आपका योग होना शुरू हो जाता है। तो ये योग की सिंपल सी डेफिनेशन है, क्योंकि आपको समझना चाहिए आप क्या करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं या घर में काम करते हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो आप, अगर आपके पास एक प्रॉपर वे में थोड़ा सा योग हो जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। हम जैसे हम शुरू करते हैं, आपने सुना होगा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जैसे हम लोग 12 पोज से सूर्य को सैल्यूट करते हैं। तो हम लोगों ने जो पद्धति बनी है हमारे प्राचीन काल से ही, तो उस तरह से हम आपको, मैं आपको बताना चाहूँगा 12 पोज किस तरह से आप एक परफॉर्म करते हैं, और आप उसको घर में प्रैक्टिस करते हैं, बच्चे भी करें, आप घर में करें, मदर हैं, फादर हैं या ग्रैंडफादर हैं, अब अगर आप करेंगे तो बच्चों को भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है। तो हम लोग एक शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। कुछ नहीं चाहिए आपको, सिंपल से एक पोजीशन है, 12 पोज, आप उसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हम जैसे अभी करते हैं, तो आप देखें कि हमारा जब स्टार्टिंग होता है, तो आपने अपने दोनों पैरों को इस तरह से रखेंगे। जरूरी नहीं है कि आप फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर वे में काम, इजी गोइंग होकर काम करना है। जब फ्लेक्सिबल नहीं है, फैटी है, थिन है, स्टिफ बॉडी है, आप बच्चे हैं, आराम से प्यार प्यार से उसको करते चले जाएं, आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपने जैसे दोनों पाँव इस तरह रखेंगे, हमने ये किया, एक नमस्कार मुद्रा है, जैसे हम लोगों को नमस्कार करते हैं, आपने इस तरह से दोनों हाथों को जोड़ेंगे। और जब आप शुरू करें तो आपका मन, आपकी सांस और आपका शरीर, कोशिश करें वहीं रहें,
वहीं पर और महसूस करें। करने से पहले आपको प्रिपरेशन करनी है, माइंड प्रिपेयर है कि मुझे बहुत आराम से चीज़ों को ख़त्म करना है और शुरुआत करना प्यार से, ठीक है? तो मन प्रिपेयर करेंगे कि मैं शुरू करता हूँ और सांस पे अपना मन लेके जाएंगे, दो तीन गहरी सांस लेंगे और उसके बाद नॉर्मल सांस, ठीक है? अब आपने क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ लेंगे, देखिए ये पोजीशन होगा आपका, है ना? तो हम लोग ये करते हैं और सांस को लेना है, सांस को इस तरह से लें, थोड़ा रुकें, सांस को छोड़ें, सांस के साथ चलते रहें, धीरे से प्यार से आराम से। आपको कोई, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, फैट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना कर सकते हैं। सांस को बिल्कुल नहीं भूलें, सांस लेते रहें, आपको दिक्कत हो रही है तो आप गहरी गहरी सांस लेना शुरू कर दें। गहरी गहरी सांस लेंगे, आपको आराम मिलेगा, प्रॉपर ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगा। और आपने क्या करना है, धीरे से इसको ऐसे रख लेना है, या आप खाली इतना रहें, बैंड भी कर सकते हैं, इस तरह से रखें। आपने कोई भी पाँव से शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल बिगनर की तरह। आपने सांस लिया, इस तरह से आपने ऐसे हो जाना है, इस तरह से नॉर्मल, ठीक है? ऊपर भी देख सकते हैं, हाथ को ऊपर उठा सकते हैं, इस तरह से गहरी गहरी सांस लेते रहें। इसके बाद आपने सांस को छोड़ना है और धीरे से पीछे ऐसे चले जाना है, इसको बोलते हैं पर्वतासन। यहाँ पर आप गहरी गहरी सांस ले सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल वे में सांस को छोड़ना है, दोनों घुटनों को नीचे रखना है, एनिमल पोज है। सांस को छोड़ते हुए आप इस तरह से आगे आ जाएंगे, अष्टांग नमस्कार बोलते हैं। आपके दोनों हाथ इस तरह से, आपकी चेस्ट लगेगी, आपकी चिन लगेगी, आपके दोनों घुटने लगेंगे, दोनों पाँव की टोज लगेंगी, अष्टांग नमस्कार है, सैल्यूट विद एट लिम्स। यहाँ पर आपको हल्का सा सांस को रोकना है, धीरे से सांस को लेना है और सांस लेते हुए धीरे से बिल्कुल नॉर्मल पोजिशन में इस तरह से आ जाएंगे। आप अपने दोनों पाँव को मिला के भी रख सकते हैं, फैला के भी रख सकते हैं, बिगनर को कोई टेंशन नहीं लेनी, बस आपको करना है। यहाँ पर सांस रोकनी है, भुजंग आसन बोलते हैं। सांस को छोड़ते हुए धीरे से पीछे आएंगे और आपने जिस पांव को आगे रखा था उसके अपोजिट आपको आगे लेके जाना है, फिर दूसरे पांव को लेके जाना है, सांस को लेना है, पीछे जाना है और सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। ये एक प्रोसेस है, 12 पोज होते हैं, डिफरेंट टीचर हैं, डिफरेंट पैटर्न से कराते हैं, तो आप जब शुरू करें तो आप कोई भी इजी पैटर्न ले सकते हैं। मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि जब आप सभी लोग, बड़े लोग, पेरेंट्स लोग स्कूटी चलाते हैं, आपको थोड़ा मोटिवेट करना है बच्चों को, स्कूल टीचर हैं, बच्चों को मोटिवेट करें कि जो हमारा सांस है, हमारी सांस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सांस के साथ चलना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा ध्यान देंगे कि जब हमारा शरीर दूर जाता है, जैसे आप स्कूटी चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, पिकअप देते हैं चढ़ाई चढ़ते हुए, जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं पिकअप दें, तो जब जैसे हमने इस तरह से बॉडी को हमने ऊपर उठाया, हम शरीर के लिम्स को, बॉडी पार्ट को ऊपर लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, तो आपने सांस लेना है, पिकअप बना के चलना है, ठीक है? और जब हम शरीर को पास लेके आते हैं, हमने सांस को छोड़ देना है। जैसे हम ढलान में आते हैं तो गाड़ी को रेस नहीं देते हैं, बिल्कुल वही पोजीशन है। जब आप दूर जाएं, बॉडी के पार्ट्स को दूर फैलाएं, सांस को लेके जाएं, और जब पास आएं तो सांस को छोड़ दें। ये बहुत जरूरी है कि आपने कहाँ कहाँ सांस को लेना और छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने ये सीखा, धीरे धीरे आपका जो बॉडी है, आपका माइंड है, वो धीरे धीरे एक ऑटो मोड में चला जाएगा। जब आप दूर करेंगे शरीर को, तो आपका सांस ऑटोमेटिकली लंबा हो जाएगा और सांस छोड़ते हुए छोटा हो जाएगा, और आप इस तरह से पैटर्न बनाएंगे तो प्रॉपर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, इससे आपको एक आराम मिलेगा, जल्दी थकेंगे नहीं और आपकी बॉडी का एनर्जी आपको मिलेगी, प्लस स्टैमिना मिलेगा।
तो अगर आप सही करेंगे, सही वे में जाएंगे, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो ये बता रहा हूँ मैं आपको इसलिए कि कहीं आपको दिक्कत हो। बॉडी पोजिशन में स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बस आपने कॉम्बिनेशन मन सांस और शरीर का करवाते रहें, करते रहें। एक बार हम रिपीट करते हैं दोबारा। देखिए हमने क्या किया, ये पोजिशन करते हैं, ये नमस्कार मुद्रा है, गहरी सांस लेंगे, हस्त उत्ताना आसना बोलते हैं इसको, हैंड टू राइज, सांस को छोड़ते हैं, हैंड टू फीट, हस्त पादा आसना बोलते हैं संस्कृत में। आपने किसी पांव से शुरू करना है, सेकंड स्टेप करना है, यहाँ पर आप नॉर्मल सांस ले सकते हैं, रेस्ट करते हैं और गहरी सांस भी ले सकते हैं, लेकिन जब आगे जाएं फिर गहरी सांस लेंगे कि दूर जा रहे हैं। आपने लिया, इसको बोलते हैं अश्व संचालन, इक्विस्ट्रेशन पोज है। ये पांव ऐसे रहेगा, ये बॉडी ऐसे रहेगी, आपने ऐसे करना है, गहरी गहरी सांस ले सकते हैं, सांस को छोड़ना है, पीछे चले जाएंगे, यहाँ पर आप गहरी सांस कर सकते हैं। आपका जो एब्डोमेन है, कोशिश करें वो अंदर की हो रही रहे, बिल्कुल आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, सांस छोड़ते हुए इस तरह से आ जाएं। अगर आपको नीचे नहीं जा सकते तो आप खाली इतना भी कर सकते हैं, शुरू में ओल्ड एज में इतना कर सकते हैं। अगर आप ऐसे जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर सांस रोकना है, सांस लेते हुए धीरे से ऐसे आ जाएंगे। कोशिश करें कि कंधा पीछे की ओर खींचे, चेस्ट आगे, दोनों पाँव को मिला भी सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बिगनिंग में ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ स्टार्ट करना है। पहले सांस को छोड़ते हुए पीछे की ओर और सांस लेते हुए अपोजिट आगे, फिर दूसरा सांस लेते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। ये बहुत सारे एक पोजिशन होती हैं हमारी योग में, डिफरेंट आसन होते हैं। और बहुत बार होता है लोग मुझसे पूछते हैं कि ये सर ये बताइए कि किस आसन से क्या फायदा होगा। देखिए बहुत अच्छी बात है ये, अलग अगर मैं पॉइंट आपको क्लियर करूं, योग करने से आपको बेनिफिट मिलता है ना, योग करेंगे बेनिफिट मिलेगा। योग होगा जब जब मन सांस और शरीर मिलेगा, पोजिशन कोई भी होगी आपको आनंद आएगा और बेनिफिट मिलेगा। एक्सरसाइज ना करें, एक्सरसाइज मतलब योग को योग की तरह करना चाहिए, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, है ना। दो तीन चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप आपको बैक पेन है या ब्लड प्रेशर हाई है, आप आगे झुकने वाले आसन बहुत आराम से करें, क्योंकि आपकी कमर खिंचती है, ठीक है। तो आपने आराम से काम करना है, ऐसे करके धीरे से और धीरे से ही वापस आना है। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको ऐसे झटके नहीं देने, है ना, गर्दन को झटके, पहले बॉडी आएगी, फिर हेड आएगा, फिर धीरे से वापस आना है, हमेशा धीरे धीरे काम करना है। इसको आप बहुत ध्यान से रखें कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। पोस्चर बहुत सारे होते हैं, तो आपको जो पोजिशन है वो बहुत आराम से करनी है, ठीक है। तो मैं आपको एक पोजिशन बताऊंगा। देखिए मेरे एक कलीग हैं, तो मैं उनको बुलाता हूँ कि यार उनको वृक्षासन बताओ। हाँ जूते खोल के आ जाओ। देखिए अब हमको बताते हैं वृक्षासन थ्री पोज कैसे करते हैं, है ना। बहुत बैलेंस पोज है, जिनको माइग्रेन होता है उनके लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर आई है उनके लिए अच्छा है, माइंड को कूल करता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से नॉर्मल पोजिशन होनी है, सांस लेना है, आराम से मन को लेके जाना है और इस तरह से पोजिशन बनानी है। आप पीछे देख रहे हैं, ये बहुत पुराना पेड़ है हमारे ऋषिकेश का, और ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती है, तो ये वृक्षासन है। तो आप इस तरह से